सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों का देश है। यहाँ कदम कदम पर आपको चमत्कारी दृश्य देखने को मिलेंगे, जिन पर कई बार विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल सा लगता है। यहाँ अनेकों ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो कि अपने आप में ही बेहद खास और अद्भुत हैं। वहीं भारत में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जो कि अपने में कई रहस्य समेटे हुए हैं, जिनका रहस्य आज तक रहस्य ही है। महाभारत और रामायण काल के भी अनेकों मंदिर आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। आज की इस यात्रा में हम जा रहे हैं नूह जिले के नलहरेश्वर महादेव मंदिर। अरावली पर्वत प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपने दामन में पुराने इतिहास को भी समेटे हुए है। कहते हैं पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसी अरावली पर्वत में कुछ समय बिताया था। यही कारण है कि नूह जिले के भोंड, फिरोजपुर, झिरका और नलहड़ गांव में तकरीबन 5000 साल पुराना शिवालय है, जिसे लोग नलहरेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे हम इसके करीब जा रहे थे, वैसे वैसे अरावली पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा मनोरम दृश्य हमारे पास आता जा रहा था। भव्य और विशाल प्रहरी की तरह खड़ा सुंदर से प्रवेश द्वार ने हमारा स्वागत किया और हम इस पावन मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर गए। तीनों तरफ से सुरक्षा मुद्रा में खड़ी अरावली के गोद में बसा है नलहड़ का ये विशाल शिवालय। कौरवों और पांडवों के इतिहास को याद दिलाते नलहरेश्वर महादेव मंदिर में अरावली की तलहटी के समीप होने की वजह से हरियाली की भी भरमार है। एक बार जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, वो बार बार आना चाहते हैं। जिला मुख्यालय नूह शहर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ये ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। शहर के नजदीक होने के कारण शहर के लोग सुबह शाम न केवल इस 3-4 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग पर सैर सपाटा करते हुए नजर आ जाते हैं, बल्कि बड़ी संख्या में शहर के लोग इस ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भी आते हैं। ये मंदिर कौरव पांडव टाइम का है और हिस्ट्री ये भी बताती है कृष्ण भगवान का भी आना हुआ है। तो प्राचीन मंदिर था, ये पहाड़ों के अंदर शिवलिंग था। तो 1981 में यहाँ कैलाशवासी स्वामी ज्ञानगिरी जी महाराज, जो कि शिव रुद्र जन कल्याण संस्था रजिस्टर्ड मुंजवाल लंगल पंजाब भाखड़ा डैम की है, तो उन्होंने आकर ये देखा महाराज जी ने, तो उन्होंने कहा ये तो प्राकृतिक शिवलिंग है कौरव पांडवों का टाइम, इसको तो अच्छी तरह से आप लोग जो है डेवलप कराओ। तो उन्होंने यहाँ लोगों से परमिशन लेके इसका कार्य उन्होंने शुरू कराया। उसके बाद उनके संपर्क में 89 से मैं भी आ गया, तो हमने यहाँ 3 आँखों का काम 89, 90, 91 में लगाया। उसके पश्चात यहाँ मंदिर में काम कर चलता रहा, हमने काफ़ी कमरे और गेट भी बहुत बड़ा महान गेट बनाया, जिसमें कि गणेश जी का परिवार है, रिद्धि सिद्धि वगैरह, और आगे जो है कृष्ण भगवान का रथ अर्जुन ले जा रहे हैं, ये गेट हमने बहुत बड़ा गेट बनाया। तो इसमें तो हम कार्य कर रहे हैं, महाराज जी भी 2012 तक यहाँ आते रहे, उनका पूरा सहयोग रहा। मंदिर में विराजमान शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये जमीन के अंदर से निकला है और उसी प्राकृतिक रूप में विराजमान है। ये मंदिर वैसे तो कई रहस्यमयी बातों के लिए जाना जाता है, लेकिन एक बात जिसे हमने अपनी आंखों से देखा वो ये है कि अगर आप इस स्वयंभू शिवलिंग को अपने हाथों से नापोगे तो हर बार का नाप अलग ही आएगा। और इसको जांचने के लिए हमने कई बार अलग अलग लोगों से भी ऐसा करने को कहा, लेकिन परिणाम हर बार चौंकाने वाले ही थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच शांति स्थापित करने के लिए इस स्थान को चुना था।
ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी कदम रखते हैं वहाँ कदम का पेड़ अवश्य पाया जाता है। यहाँ भी एक कदम का पेड़ है जिससे हर समय पानी निकलता रहता है। ऊपर सीढ़ियाँ 287 से 87 स्टेयर्स पे कदम के पेड़ के नीचे एक पानी आता है जड़ में, जिसमें कोई लोटा या गिलास इससे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन वो पानी मिनरल वाटर दुनिया के फेल कर रहे हैं। हमने ये पानी सीएम साहब को, खट्टर साहब को भी, गवर्नर साहब को भी, सबको टेस्ट कराया, लेकिन फिलहाल एक हॉल का जो है टेंडर पास हो गया है, उसके ऊपर 5 कमरे भी बन रहे हैं, 90x40 का हॉल बन रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते से काम शुरू हो जाएगा। इस चौंकाने वाले रहस्य को सुनने के बाद हमने भी निश्चय किया और पहाड़ पर स्थित इस जल स्रोत को देखने की इच्छा से आगे बढ़ गए। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम उस रोमांच का अनुभव कर रहे थे जिसे शब्दों में बताना शायद संभव नहीं। उसके लिए आपको यहाँ स्वयं ही आकर अनुभव करना होगा। खैर, हम लगभग 287 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उस कदम की छांव में पहुंच गए जिसके जड़ से हजारों साल से ये जलधारा बह रही है। जड़ के नीचे से एक पतली सी धार में ये अति पावन जलधारा निकल रही थी। इस ऊंचाई के स्थान से मंदिर की तरफ देखने से लगा कि मानो हम किसी हिल स्टेशन पर आ गए हों। यहाँ का दृश्य अति मनोरम था। ऐसा लग रहा था मानो हरियाली की चादर ओढ़े अरावली पर्वत श्रृंखला शिवजी को अपनी गोद में पाकर अपने सौभाग्य पर इतरा रही हो। मन में ये विचार आ रहे थे कि इस पल को आंखों में भरकर ऐसे रख लिया जाए कि ये कभी धूमिल ना हो। अरावली पर्वत की सुंदरता और ऐतिहासिक मंदिरों को देखते हुए इस स्थान को हरियाणा सरकार एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के विचार से बहुत सकारात्मक काम कर रही है। सीएम साहब ने, खट्टर साहब ने जो है अपना टूरिज्म डिपार्टमेंट से 2,04,00,000 रुपए हमारा मंजूर किया, जिसमें से 90 लाख का ठेका छुटा था, बाउंड्री वॉल बनी और 1,00,000 लीटर का टैंक का पानी बना, टॉयलेट्स वगैरह बने और काफ़ी टाइलें वगैरह भी लगी। तो उसके बाद दोबारा फिर एक टेंडर किया है उन्होंने, तो वो टेंडर का काम अभी शुरू होना है, उसमें एक हॉल बनने जा रहा है। अभी एक महीना पहले सीएम साहब आए भी थे, तो उन्होंने बोला था पहले ये कराओ फिर और कुछ जो यहाँ डेवलपमेंट का कार्य हम कराएंगे। तो सरकार का तो पूरा सहयोग है, टूरिज्म डिपार्टमेंट से हमें कर रहे हैं। हरियाणा की खट्टर सरकार ऐसे कई ऐतिहासिक स्थानों को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है। इस मंदिर पर न केवल महाशिवरात्रि का भव्य मेला लगता है बल्कि शिव भक्त यहाँ कांवड़ भी चढ़ाते हैं। यहाँ साल में कई भंडारे और यात्राएं आयोजित की जाती हैं। इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मेला महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला लेता है, 7-8 हज़ार आदमियों का भंडारा होता है, पूरे इलाके से लोग आते हैं, पलवल, फरीदाबाद, कई डिस्ट्रिक्ट से, बाहर से लोग, जिन लोगों का मन जुड़ा हुआ है, जो यहाँ रह गए वो लोग आते हैं, कोई दिल्ली ठहरा हुआ है, कोई हरियाणा में, कहीं उधर से। कांवड़ी वाली शिवरात्रि पर भी बहुत, यानी 8-10 तो डाक कांवड़ आती है और 20-25-30-50-50 भी जो है कांवड़ी आते हैं, वो भी बहुत बड़ा भंडारा होता है 8-10 हज़ार आदमियों। कुल मिलाकर इस मंदिर की भव्यता व इतिहास को देखते हुए प्रदेश के सीएम मनोहर लाल, राज्यपाल हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय के अलावा कई राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ अधिकारी भी यहां आते रहे हैं। हालांकि यहां की हमारी यात्रा संपन्न तो हो गई, लेकिन यहां से जाने का मन नहीं हुआ। फिर भी हमें आगे तो जाना ही था, सो हम चल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर। जैसे ही हम नूह जिले के सुरम्य परिदृश्यों से यात्रा करते हैं, हमारी आंखें अरावली पहाड़ियों की ऊंची गगनचुंबी इमारतों पर मोहित हो जाती हैं। हम नहीं जानते हैं कि छिपा हुआ रत्न हमारा इंतजार कर रहा है। सिंगार के आकर्षक गांव में
ऐतिहासिक श्री राधा कृष्ण मंदिर। अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित नूह जिले का सिंगार गांव क्षेत्र की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। हलचल भरे शहरी परिदृश्य से परे सिंगार गांव में बना ये मंदिर अपने एक प्राचीन द्वार के साथ आगंतुकों का स्वागत करता है, जो भीतर छिपे आध्यात्मिक खजाने की ओर इशारा करता है। इन खजानों में प्रतिष्ठित श्री राधा कृष्ण मंदिर भी शामिल है, जो देखने में भले ही एक साधारण सा प्राचीन मंदिर है, लेकिन ये स्थानीय लोगों के दिलों में बहुत महत्व रखता है। इसके मुख्य दरवाजे पर लगे धर्म ध्वज की रौनक सालों बाद भी वैसी ही लग रही थी। लोहे के बने दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़े सत्कार के साथ हमें अंदर आने की अनुमति दे रहा हो। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही एक अनोखी शांति का एहसास हुआ। मंदिर प्रांगण के प्राचीन दरवाजे ये बता रहे थे कि वो हमारी धरोहरों की सुरक्षा में अपना जीवन लगा चुके हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के साथियों की दिव्य गूंज सिंगार की घास के मैदानों में गूंजती थी। ये गांव एक देहाती आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता था, जहां भगवान कृष्ण गाय चराते थे, जिससे उनकी चंचल लीलाओं के लिए एक मनमोहक पृष्ठभूमि तैयार होती थी। माना जाता है कि सिंगार गांव की मिट्टी ही कृष्ण की दिव्य उपस्थिति की गवाह रही है, जिससे ये ऐतिहासिक महत्व की पवित्र भूमि बन गई है। ग्राम सिंगार एक ऐतिहासिक गांव है और ये ब्रज क्षेत्र में आता है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा वृंदावन, वो राजस्थान के भरतपुर जिला, वो तथा हरियाणा के नूह जिला से लगती हैं। यह महाभारत काल के दौरान श्री कृष्ण जी अपनी गवों के साथ, ग्वाल बालों के साथ विचरण करते हुए इस क्षेत्र में आए, तभी से ये ब्रज क्षेत्र कहलाता है। मंदिर परिसर के बाहर ही एक कच्ची मिट्टी का तालाब है। जो प्राचीन कहानियों की फुसफुसाहट से गूंजता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस तालाब में स्नान किया था और स्नान करने के बाद अपना दिव्य श्रृंगार किया था। परमात्मा के स्पर्श से सदैव पवित्र रहने वाला ये पवित्र तालाब गांव की पहचान का अभिन्न अंग बन गया। इसलिए इस गांव का नाम सिंगार पड़ गया, जिसने उस स्थान को अमर बना दिया जहां भगवान श्री कृष्ण अपने आकर्षक बचपन की लीलाओं में व्यस्त थे। ये पवित्र भूमि आज भी स्थानीय लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। आज भी सिंगार के लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण समय और स्थान से परे होकर इस गांव का दौरा करते हैं और अपनी दिव्य उपस्थिति से इसे सुशोभित करते हैं। श्री राधा कृष्ण मंदिर हालांकि आकार में छोटा है, लेकिन धार्मिक विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। मंदिर की वास्तुकला सादगी को दर्शाती है,
जो भक्तों को हर कोने में निहित आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है। भक्तों और आगंतुकों का समान रूप से मानना है कि यहाँ स्थित तालाब की परिक्रमा करके मंदिर में पूजा करने मात्र से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुआं भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कुएं का पानी कभी सूखता नहीं। यहाँ एक कुआं है इसमें, जो बहुत ही प्राचीन है, और इसका पानी आज काफी नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी सूखा नहीं है। तो पानी निरंतर इसमें है, बहुत ही प्राचीन है। कई दफे इसकी सफाई करवाई है, तो इसमें बहुत ही प्राचीन कालीन बर्तन, जैसे तांबे के लोटा, तांबे के कलश इत्यादि निकले थे। ये गांव भी ब्रज क्षेत्र की 84 कोस की परिक्रमा में आता है, तथा राजस्थान के जिला भरतपुर से परिक्रमा यात्री ठीक इसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं। गांव सिंगार उत्तर प्रदेश की मथुरा, वृंदावन तथा राजस्थान की भरतपुर जिले की सीमाओं पर स्थित है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा ठीक इसी मंदिर के सामने से गुजरती थी, लेकिन अब उसको थोड़ा डाइवर्ट करके बिछोर से निकाल दिया जाता है। फिर भी राजस्थान के कुछ यात्री जब भी परिक्रमा चलती है हमारे मंदिर के सामने से होते हुए, और इधर सौंद, अंधोप और बंचारी होते हुए ब्रज क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। मंदिर में विराजमान श्री राधा कृष्ण प्रतिमा स्वरूप में जन जन का कल्याण कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ शिवालय भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ स्नान करने के बाद एक शिवलिंग स्थापित करके उनका पूजन किया था। इस मंदिर से थोड़ा हटकर एक और शिवालय है, जिस शिवलिंग की स्थापना स्वयं युधिष्ठिर ने की थी। मंदिर पांडव कालीन है, कहते हैं वो युधिष्ठिर के हाथ की स्थापना है। और शिव मंदिर जो यहाँ थोड़ा आगे होटल रोड पर पड़ता है, अपने फिरोजपुर झिरका का जो शिव मंदिर है उससे मिलता जुलता है। वहाँ भी काफी भक्तगण आते हैं, और जो है अब उसका जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। मंदिर परिसर में प्राचीन हनुमान मंदिर भी है, और माता रानी भी सबका कल्याण करने के लिए विराजमान है। नवरात्र पे मंदिर में भजन कीर्तन किया जाता है। मंदिर को साफ करने के साथ ही सुंदर फूलों से सजावट की जाती है। इसके अलावा जन्माष्टमी में यहाँ की रौनक भी शानदार होती है। कई धार्मिक यात्राओं का आयोजन भी किया जाता है। सिंगार गांव अपने साधारण मंदिर और पवित्र परिवेश के साथ इस क्षेत्र की आध्यात्मिक जड़ों को गहराई से जानने और महाभारत युग की कालातीत विरासत से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।